हमारे साथ जुड़ गए हैं कंचना यादव को आप देख सकते हैं आरजेडी से हमारे साथ जुड़ गए हैं साथ ही आपको नजर आ रहे हैं लखनऊ से लाइफ मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन लगातार छात्रों के बीच है आरक्षण को लेकर बातचीत भी कर रहे हैं अपने आ, बेहद पॉपुलर कार्यक्रम माहौल क्या है के जरिए तो राजीव आरक्षण को लेकर लगातार एक के बाद एक विवाद पहले कोटा में कोटा फिर उसके बाद उनहत्तर शिक्षक भर्ती मामला अब ये लिटरल एंट्री का जो ये प्रस्ताव रखा गया है पैंतालीस नियुक्तियों को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से यूपीएससी में अब यह प्रस्ताव विवादों में आ गया है तो क्या आरक्षण पर लगातार सरकार गिरती जा रही वो भी तब जब उनके सहयोगी दल लगातार सवाल उठा रहे हैं उनहत्तर हजार शिक्षक भर्ती का मामला आया तो केशव प्रसाद मौर्य तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले का स्वागत करते नजर आए अनुप्रिया पटेल उसका स्वागत करती नजर आई अब लेटरल एंट्री को सीधे तौर पर गलत ठहरा रहे हैं आरक्षण यहां पर आरक्षण के जरिए यहां पर नियुक्तियां होनी चाहिए उसका पालन होना चाहिए यह बात कह रहे हैं चिराग पासवान देखिए पूजा ये जो लेटरल एंट्री का मामला है सीधी भर्ती का मामला है ये एक बहुत बड़ी बहस है जो देश में लंबे समय से चल रही थी लेकिन फैसला मोदी सरकार ने किया बात ये है कि आजादी के बाद ब्यूरोक्रेसी में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए पहला जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ए बनाया गया जिसको प्रशासनिक सुधार आयोग कहते हैं मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में कि ब्यूरोक्रेसी में और इसकी क्षमता को इसकी गुणवत्ता को कैसे बेहतर किया जा सके उसके लिए कमीशन बनाया उसने अपनी रिपोर्ट्स दी दूसरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बना वो 2005 में मनमोहन सरकार ने बनाया और उन्होंने वीरप्पा मोइली को पूर्व देश के कानून मंत्री और कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे वीरप्पा मोइली को इसका चेयरमैन बनाया सेकेंड ए यानी जो दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग है उसने अपनी जो सिफारिशें दी थी उसमें एक सिफारिश ये भी दी थी कि ब्यूरोक्रेसी में आ, आप प्राइवेट सेक्टर से या दूसरे सेक्टर से आ, जो स्पेशलिस्ट है जो विशेषज्ञ है उनको भी ले सकते हैं ताकि मंत्रालयों की और नीतियों बनाने में आ, जो बाहर का एक्सपर्टीज़ है उसका भी इस्तेमाल हो सके सिर्फ एक बार परीक्षा दे के ब्यूरोक्रेट बने लोग ही आ, आ, पूरे देश को अपने जीवन काल तक चलाते रहेंगे अपनी सेवा तक और बदलते हालात से बदलती परिस्थितियों से बावस्ता जो प्राइवेट सेक्टर के काबिल लोग हैं सरकार को उनकी उ, उ, उनकी सहायता के लिए या उनकी राय के लिए उनके एक्सपर्टीज़ का फ़ायदा मिले ऐसे ही एक व्यवस्था बनाई जानी चाहिए तो पहली बात तो यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो ये फैसला किया है ऑलरेडी सेकेंड रिफॉर्म्स प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के मुताबिक किया है दूसरी बात ये कि ये 45 लोगों की जो आ, विज्ञापन निकला है ये कोई पहला विज्ञापन नहीं है इसके पहले संसद आ, संसद में दिए गए बयान के आधार पर मैं कह रहा हूँ कि केंद्र सरकार ने तिरसठ लोगों की इससे पहले नियुक्तियाँ की हैं अब सवाल उठता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने प्राइवेट सेक्टर या स्पेशलिस्ट लोगों को uh, सिविल सेवा में या ब्यूरोसी में लाने की वकालत की थी लेकिन क्या उन्होंने ये कहा था कि आप एक एक, एक, एक एक्सपर्टी, एक्सपर्ट को लीजिए और उसमें रिजर्वेशन का प्रावधान ना हो ये भी देखने वाली बात है ये 24 मंत्रालयों में 45 लोगों को और लेने की बात है और ज़्यादातर एक एक सीटें हैं अब जब आप एक विज्ञापन निकालते हैं तो वहाँ आरक्षण लागू नहीं होता पहली बात तो ये है दूसरी बात ये है इसके पक्ष में मैंने जो बातें कही कि दूसरे क्षेत्र से आए लोगों को प्रशासन में डालकर नीतियों में रिकमेंडेशंस में इम्प्लीमेंटेशंस में उनकी उनकी योग्यता का उनकी क्षमता का आ, सरकार आ, देश के कल्याण के लिए देश के विकास के लिए देश की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें इसके पक्ष में ये तर्क है इसके विपक्ष में ये तर्क है कि जब वैरप्पा मोहली की कमीशन जब बना था 2005 में और 2024 में परिस्थितियां बहुत अलग है 2007 से आ, 2017 से आपको लग रहा होगा बहुत सारी तकनीकी बातें मैं बता रहा हूँ दो से दो तक संसद ने जो रिपोर्ट रखी और संसद ने जो जवाब दिया उसके मुताबिक पिछले चार सत्रह से इक्कीस तक में तिरसठ फीसदी जो लोग आई बने हैं सिविल सेवा में आए हैं उसमें तिरसठ फीसदी लोग इंजीनियरिंग स्ट्रीम के हैं यह 2005 में ये आंकड़ा नहीं था तो ये स्पेशलिस्ट लोग ऑलरेडी ब्यूरोक्रेसी में आ चुके हैं और अब आ, एक देखिए लोक प्रशासन अगर पब्लिक एड आप पढ़े चुकी मैं पढ़ा हुआ इसलिए मुझे मालूम है लोक प्रशासन में ये बहस बहुत लंबे समय से चलती है कि नौकरशाह को जर्नलिस्ट यानी सामान्यज्ञ होना चाहिए या स्पेशलिस्ट होना चाहिए यानी विशेषज्ञ होना चाहिए एक बड़ा धड़ा यह मानता है कि सामान्य अच्छा ब्यूरोक्रेट हो सकता है स्पेशलिस्ट जो है वो अपने विषय में बहुत पारंगत हो सकता है लेकिन वो प्रशासक अच्छा हो इसकी कोई गारंटी नहीं है तो पहली बात तो ये है कि अब ब्यूरोक्रेसी में काबिल लोगों की कोई कमी नहीं है लेकिन दुर्भाग्य देश का ये है कि ब्यूरोक्रेसी में या हमारे ब्यूरोक्रेट को पोस्टिंग एबिलिटी यानी क्षमता के आधार पर नहीं मिलती लॉयल्टी के आधार पर मिलती है यानी विश्वास पात्र होने के आधार पर मिलती है तो काबलियत के आधार पर ब्यूरोक्रेट जगह पा जाए ऐसी स्थिति देश में दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है वो राजनीतिक पोस्टिंग ज़्यादा होती है और ये सब राज्यों में सारी पार्टियों में ये बात लागू होती है अब सवाल उठता है कि ये एक एक पोस्ट निकाल कर 45 लोगों को आप मिड लेवल या सीनियर लेवल के पोस्टिंग में रख रहे हैं अगर ये नहीं रखे जाते तो अगली बार के सिविल सर्विसेज में 45 ये पोस्ट उसमें जुड़ के आते वो संख्या लगातार सिकुड़ती जा रही है सिविल सर्विसेज की जो वैकेंसी आ रही है वो संख्या कम होती जा रही है सरकारी नौकरियों के विज्ञापन तो कम होते जा रहे हैं दूसरी तरफ 45 सीनियर आई की पोस्ट ही है जो है आपने निकाल दिया उसमें कहीं कोई रिजर्वेशन नहीं उसके तर्क बहुत है कि एक सीट पर रिजर्वेशन नहीं होगा और ये तो स्पेशलिस्ट को लेना है दूसरी बात कल ही मेरी एक अधिकारी से बात हो रही थी उन्होंने कहा कि आ, मुश्किल बात यह है कि लेटरल इंट्री से आए लोग उनकी मंत्रालयों में धमक बहुत ज़्यादा रहती है और ज़्यादातर विभागों और मंत्रालयों की बैठक में वो अपने सीनियर ब्यूरोक्रेट से भी ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं क्योंकि वो गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्ट रिक्रूट किए गए हैं तो इसलिए उनकी उपाध्ययता परंपरागत तौर पर चुने हुए ब्यूरोक्रेट से लोगों में ज़्यादा जाती है तो ये एक जो आ, कहते हैं ना वो एक आ, अथॉरिटी uh, का डिसेंट्रलाइजेशन विद इन मिनिस्ट्री होता है इससे कामकाज अच्छा होने के बजाय बेहतर होने के बजाय अड़ंगेबाजी वाला हो जाता है ये भी एक सवाल है लेकिन अभी जो मौजूदा सवाल ये है आरक्षण के नाम पर आ, ये आरक्षण की बात करके विपक्ष ने आ, केंद्र सरकार को इस बात के लिए आ, इसका विरोध किया है कि आप लेटरल इंट्री लाइए कोई दिक्कत नहीं है लेकिन उसमें रिजर्वेशन होना चाहिए और दूसरा तर्क यह है कि अगर लेटरल इंट्री विशेषज्ञों की ली जा रही है तो अगर उसमें रिजर्वेशन हो गया तो फिर उसकी एबिलिटी या उसकी कैपेबिलिटी के आधार पर हम क्या ले रहे हैं तब तो हम आ, उसी तरीके से ले रहे हैं जैसे सरकारी नौकरियों में लेते रहे हैं तो ये बड़ा मामला है और इस, इस पर बहुत बड़ी बहस है दोनों पक्ष आ, पक्षों की राय आंशिक तौर पर सही हो सकती है लेकिन ये जरूर है कि सरकारी नौकरियों की कम होती संख्या और ज़्यादातर चीज़ों को आउटसोर्सिंग या डेपुटेशन या इस तरह सी पोस्ट पोस्ट को क्रिएट करना निश्चित तौर पर आरक्षण पर एक कड़ा प्रहार माना जाएगा बिल्कुल